सबसे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना बता देते हैं, नूरुल हक सलीम खान पिछले 7 महीने से लापता है। इस लड़के की उम्र 17 साल 9 महीना बताई जा रही है। 19 अक्टूबर 2019 को मुमरा सोनाजी नगर से ये लड़का लापता हुआ है। बताया जा रहा है कि घर में किसी बात से नाराज होकर नूरुल हक सलीम खान घर छोड़कर चला गया था। अगर ये शख्स आपको कहीं भी नज़र आए तो PSI कांबले को इस नंबर पर संपर्क करें, 8424021575। एक बार फिर आपको बता देते हैं, 8424021575, या तो मुमरा पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें, 2225468315, 2225468315। इसी के साथ आपको बता दें कि मुमरा में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है। अक्सर देखा गया है कि जब मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल का दौरा भी पड़ने से मौत हो सकती है। ऐसे में मुमरा के गाँव देवी में कोरोना वॉरियर की एक टीम ने लोगों के घर घर जाकर उनके ऑक्सीजन लेवल और दिल की धड़कन को ऑक्सीमीटर द्वारा जांच की गई है। गाँव देवी में करीब 400 से 500 लोगों को जांच किया गया है और एर्सेनिक एल्बम 30 दवाइयाँ भी दी गई है, जिसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारे आमदार जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में और हमारी जो कोरोना वॉरियर्स टीम है, हम लोगों ने तय किया था कि यहाँ पर जो पहाड़ी पे जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, लोग क्या अभी हॉस्पिटल में जगह नहीं है लोगों को जाने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है, लोग बीमार पड़ते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमें क्या बीमारी है। बीमारी बढ़ने के बाद लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं होती है, तो उसके कारण हमने सोचा कि यहाँ पर एक सर्वे करें, और सर्वे के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पर 300-400 लोगों को चेक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने जो चेक किया सभी की सभी नॉर्मल रिपोर्ट आया है। जिनका ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी 100% अच्छा आया है, हार्ट बीट भी अच्छा आया, ये तो था, और उसके अलावा जो फीवर जो परसेंट था वो भी अच्छा आया है, और अभी तक हम लोग को यहाँ पे ऐसा कोई केसेस नहीं मिला है। बिल्कुल, ये जो हमारी टीम है कोरोना वायरस की टीम है, और हम लोग हर एरिया में, जैसा नहीं कि हर एरिया में हम लोग ये काम कर रहे हैं, जैसे अमृत नगर हो गया, शादी महल रोड हो गया, यानी हम लोग यहाँ पे साथ में आर्सेनिक 30 जो दवा है हमको मिली है, हमने लाए कहीं से, अवार्ड साहब के आदेश के अनुसार हम लोग ये सब काम चालू है, और हम लोग अवार्ड साहब से गोलियाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करवा रहे कहीं ना कहीं हर एरिया में, जिससे यहाँ पे लोगों का इम्यूनिटी पावर बूस्ट होएगा। हम उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जाए घर में रहकर, और किस तरह इस बीमारी से बचा जाए। और कोई ऐसा कोई पेशेंट हमको दिखता है जिसका सांस का इशू, वो खुद ब खुद दवाखाना अपना इलाज कराए, ताकि इशू ज्यादा न बढ़े और ना उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।